बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन व एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम और एसएसपी ने रेती चौक स्थित जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद चौक, बक्सीपुर सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की तथा कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपने घरों में ही त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता और जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, जैसा कि आप सबको पता ही है बकरीद, रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार हैं और लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से हम यही अपील करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में रह करके त्यौहार मनाएं। सभी लोग त्यौहार, सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ और कोरोना का ध्यान में रखते हुए ही त्यौहार मनाएं। एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड है उसको ध्यान में रखें और जो भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर भी कोरोना का ज़्यादा प्रचार प्रसार है वहाँ पर हमने लॉकडाउन व्यवस्था दी हुई है। लोग कम से कम लोग बाहर निकलें, 2 गज की दूरी रखें आपस में, लगातार मास्क अपन लगा करके रखें, यही इसका उपाय है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। आज बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ है। सुबह से हम लोग ब्रह्मशील थे, यहाँ शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका सभी जगह अपने घर पर ही त्यौहार मनाए और लॉकडाउन आज है, लॉकडाउन का अनुपालन 100% करा रहे हैं और यहाँ तो बाढ़ इलाका में भी हम लोग विजिट किए थे, बाढ़ सामग्री भी हम लोग वितरण किए थे और बाकी शांतिपूर्वक है। जनता का मैं अपील करने चाहता हूँ, देखिए कोरोना का अभी भी इलाज नहीं है, हम कितने संवेदनशील सतर्क रहते हैं उसी के हिसाब से हम इसी बीमारी को काबू कर पाएंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, कभी घर के बाहर कतई मत निकलिए, निकलना है तो बिना मास्क मत निकलिए, हाथ बार बार धो लीजिए, 2 गज का दूरी है, ये तीनों मूल मंत्र हमेशा याद रखें और शांतिपूर्वक जो भी त्यौहार है उसका संपन्न आपके घर के अंदर ही कराइए।